और प्रोग्राम में आकर के तो बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे। ये अरुण भैया है, इनकी वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करो जितना हो सके, आपको ये ब्लॉग उसी पे मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट करो, थैंक यू। अरुण सीएच ब्लॉग्स के नाम से है भाई का चैनल। तो भाई पहला तो धन्यवाद भाई, आप मिले बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भाई के ब्लॉग को सारे शेयर जरूर कर देना। हाँ, अरुण सी एच ब्लॉग्स है, बोल आप लोग बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, मैं नहीं कहता सब्सक्राइब कर लेना भाई को, अरुण सी एच ब्लॉग्स को सारे सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वापस से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी अभी मैंने थोड़ा सा देखा, ये तो था पहला धमाका, और अभी ये जो सिया वाटिका है मैं इसके अंदर जाने वाला हूं, जो कि एक बिग इवेंट है, उसी की ये वीडियो है। तो वीडियो रहने वाली है धमाकेदार, तो लास्ट कंटिन्यू देखिएगा। अभी फिलहाल हूँ अम्बाड़ा और चलते हैं सिया वाटिका। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है कि मैं आया हूं अम्बाड़ा में, एक बिग इवेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा इवेंट रहा यहां का। और मुझे अपने इधर के मतलब यमुनानगर के जो कि चमकते सितारे हैं, आने वाले कल में हम भी मिलियन से खेलने वाले हैं, भले ही हमारे अभी लाखों में है। सो मैं एक एक करके आपको मिलवाता हूँ। ये हमारे गौरव सैनी भाई है, कैसे हैं भाई? बढ़िया जी। गौरव सैनी भाई है जो कि आप देखते हो नारायणगढ़ के नाम से, इनके मतलब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर तरीके से पेज है। और ये गोलू भाई जो है ना, गोलू सैनी, उनकी वीडियो में भी देखने को हर बार मिल जाते हैं। और ये भी हमारे नगर के भाई है, आपका शुभ नाम भाई? शाबी भाई। शाबी भाई, आपका पेज किस नाम से है? क्रेजी यमुनानगर के नाम से। और इनको देख लो भाई साहब, जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो स्पाइडरमैन वगैरह, ये यही भाई बनते हैं। क्रिकेट में मैंने कर दिया आज, वैसे मैंने किया हुआ है अपने आईडी पे, लेकिन ये भाई मतलब तीन तीन बंदे हैं ना आप जो स्पाइडरमैन बनते हैं सर, तीन बंदे हैं। और आपको बता दूं कि किसी को भी करवाना हो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, तो भाई बड़े ही अच्छे से मतलब कवर करते हैं यमुनानगर में, मैंने बहुत सारी वीडियो कवर करते हैं। और आपका शुभ नाम? रितिका जी है, जो कि हमारे भाई सबके मतलब यहाँ पे हम सब सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। बाकी गौरव सैनी भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस इवेंट में आकर के और मिल करके कैसा लगा? हम सब जब इकट्ठे मिलते हैं, और वो भी यूट्यूब इंस्टाग्राम क्रिएटरों को लेकर के जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, कॉलेज स्कूल से बिल्कुल अलग है ये। क्या कहना चाहोगे, दो शब्द इतना तो बोल दो आज हमारे चैनल के लिए बोलो। तो भाई पहला तो धन्यवाद भाई, आप मिले बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और जैसा भाई ने बताया कि कॉलेज की लाइफ तो बहुत अलग हुआ। हाँ, वहाँ तो मतलब बस मतलब जो यो लाइफ आ मतलब बाहर आवा तो चार लोग कहा भाई आपके वीडियो देखा तो बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ, जो खुशी करोड़ा अरबा खरबा में लिख दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही मतलब भाई, चार है, हेलो भी कर दिया किसी ने, बहुत बड़ी बात है भाई। यार कह दिया क्यों देखो जा रहा है, वो जा रहा है वो इंस्टाग्राम वाला वीडियो, उसमें खुशी बहुत मिलती है। तो जी आज हम मारे चाह 4000 अब 4000 मतलब जहाँ भी है मान ले तो बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? बढ़िया सर, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया खुशी लगी। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? आप तो कुछ ऐसा ही बोल दो
जो फेमस हो जाए इस ब्लॉग में आपके, जो डायलॉग भी कोई भी बोलो तो। तो सबसे पहले तो सबको राम राम, मैं यमुनानगर से हार्दिक सैनी आपका भाई, आप सबके प्यार से आज हम यहाँ पे हैं, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। आज मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, पहले एक दो इवेंट में मिल चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई जैसा कि भाई ने इंट्रोडक्शन दे दिया हमें, और इंट्रोडक्शन नहीं है, आप सबके प्यार से हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले जी आपको एक छोटी सी बात कहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गो का, अपने भगवान का, अपने भाई बहनों का जी जी प्यार आदर रखो भाई, आप बहुत आगे जाएंगे। हम भी गिर रहे डाउन टू अर्थ चल रहे हैं, तो भाई के ब्लॉग को सारे शेयर जरूर कर देना। अरुण सी एच ब्लॉग है, आप लोग बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, मैं नहीं कहता भाई कर लेना भाई को, अरुण सी एच ब्लॉग को सारे सब्सक्राइब कर लेना, भाई को लेके जाना मिलियन पे भाई। धन्यवाद धन्यवाद। मैं टूरिस्टल भी बनाता हूँ, टूरिस्टल प्लेसेस की और विलेज की लाइफ दिखाता हूँ। जो भी हमारे भाई इस देश से दूसरे घंटे में कमाने या बिजनेस करने चले जाते हैं ना, मैं उनको दिखाता हूँ कि भाई हमारे गांव में क्या अपडेट चल रहा है अभी जी जी। क्या कुछ नया बना है जी। गाँव की लाइफ कैसी है। अच्छा एक बात बताऊं, वहां के लोग मेरी वीडियो LCD में चलाकर मेरे पास वीडियो कॉलिंग करते हैं कि भाई गाँव देख रहे हैं हम अपना आपकी वजह से, तो मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय गाइस, माय नेम इज रविशा एंड आई एम फ्रॉम यमुनानगर। सो आज हम आए थे राम प्रोडक्शन की इवेंट में, जहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स, इंस्टाग्रामर और सबसे बड़ा स्पाइडरमैन मिले। सो ये अरुण भैया है, इनकी वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करो, जितना हो सके आपको ये ब्लॉग उसी पे मिलेगा, लाइक शेयर कमेंट करो। थैंक यू। जैसे इवेंट में मैं अभी घूम ही रहा था तो मुझे मिले तेजी लाडवा के नाम से, जो फेमस है ना अपने एरिया में, अपने एरिया में क्या भाई हर जगह फेमस है, और इनकी स्टाइल ऐसी ऐसी होती है ना, दर्द देने वाले को दर्द मिलता है और मुझे देने वाले को मुझे, और लगे ना कि किसी को चुभ रहा है तो वो आप ही के लिए होती है, शायरी ऐसी होती है ना इनकी। अगर कोई स्टेटस लगाए ना तो उसको अपनी कहते ना कि किसी ने पैसे लिया उधार दे नहीं रहे, तो भाई का स्टेटस लगाओ 100% देगा। तो भाई अपना चैनल है अरुण सी एच ब्लॉग्स अलार सोना, तो चैनल के लिए 200 क्या भाई, अरुण सी एच क्या है ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के नाम से है भाई का चैनल। तो जितने भी मेरे को जानने वाले हैं, अगर मेरे को देखने वाले लोग देख रहे हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। So guys, इस इवेंट में मुझे मिले बबीता गीता, ये है बबीता और ये है गीता, ये है शैली और ये है शर्मा, अब क्लियर है। चलिए तो मैं पहले बात करता हूँ बबीता जी से, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। और ये इवेंट मतलब कैसा था, क्या रेटिंग कितना देना चाहोगे 10 में से 8 मतलब 2% अभी भी कमी आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और आप कितने मतलब रेटिंग? 9 मार्क्स देना चाहूंगी, बिकॉज इंट्रोडक्शन राउंड नहीं हुआ, मेकअप बहुत अच्छा था, सब मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ, क्योंकि सिर्फ वॉक के आधार पर आप किसी को प्राइज वगैरह ये नहीं दे सकते हो। कॉन्फिडेंस तभी पता चलता है जब आप बोलते हो, आपका हुनर दिखता है, तो ओनली आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ वॉक के हिसाब से आपको जजमेंट करनी चाहिए, तो 1 मार्क जो आपको मैं इसी का ही काटना चाहूंगी, अदरवाइज ऑल गुड। बहुत अच्छा शो था, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था और ये बेस्ट शो था। थोड़ी थोड़ी कमियां थी, मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट अगर कुछ करते हैं तो उस कमी को दूर करके हमारी वीडियो को देख करके तभी कुछ ऐसा डिसीजन ले, क्योंकि हम यमुनानगर में ये वाला ही शो करने वाले हैं, और मैं करवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ आज, क्योंकि हमारे यमुनानगर में बहुत सारे जो क्रिएटर है ना वो ऐसे घूम रहे हैं, हमारे यमुनानगर में बहुत सारे क्रिएटर यहाँ आए भी है, तो अम्बाला की वजह मैं यमुनानगर में करवाना चाहता हूँ, स्पॉन्सर हमारे पास है। सो आप और क्या कहना चाहोगे? मैं दोबारा आना चाहती हूँ। दोबारा? हाँ। आपने किया क्या यहाँ पे? वॉक किया। कैसा लगा, मतलब लोगों के एक्सप्रेशन क्या थे, देख करके कैसा लगा उनको? आप जैसे सामने से देख रहे होंगे, लोग देख रहे थे, आपको क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा था। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इनसे, गीता बबीता जी से मिलके एक बार फिर से। ये बबीता सैनी जी और गीता शर्मा जी, मुझे नाम याद हो गया। थैंक यू सो मच।